राम साहब, दिवाली त्योहार को लेकर आपके यहाँ क्या व्यवस्था की गई, कितनी बसें और अतिरिक्त लगाई गई हैं सारे रोडों में? दिवाली के अवसर पर डिपो की दिल्ली चलने वाली सेवाओं 10% की वृद्धि करते हुए जी संचालन के लिए डबल चक्कर में लगाई गई हैं, जिससे कि दिल्ली से आने वाले यात्रियों को सुविधा न हो। इसी के साथ साथ दिल्ली से मैनपुरी, दिल्ली से फर्रुखाबाद और दिल्ली से जो गांवों की सेवा लिंक है, वो सबको बरकरार चलाने का निर्देश है और बरकरार चलाई जाएंगे, जिससे कि गांवों में पहुंचने जनता को भी दिल्ली से आकर असुविधा न हो। लोगों की शिकायत रहती है कि वाहन नहीं मिल पाती है त्यौहार पर। एक्चुअल में है क्या कि त्यौहार जो है यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा होती है जी कि हम लोग दिल्ली की सेवाएं पूरी भेजने के बाद भी डिपो में जो बसें बसती हैं जी तो बहुत थोड़ी संख्या बच जाती है। जो काफी जो लोकल मार्ग की सेवाएं हैं उनको छोड़कर अतिरिक्त सेवाओं को दोबारा भेजता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो यात्रियों की संख्या है, यात्रियों की जो हब है, डेटा है जी, पैसेंजर बड़ा हब है, उसके सापेक्ष जो है कभी कभी ऐसी परेशानी आती है। नहीं, लोगों की ये शिकायत रहती है कि मजबूरन उन्हें जो है प्राइवेट गाड़ियां पकड़नी पड़ती हैं और उनके साथ में चीटिंग हो जाती है, लोग जाते रात में लूटपाट हो जाती है। हमारे पास संसाधन है इटावा जैसे आगरा और कासगंज, आगरा गंगनवारा, इस पर हमारी 43 अनुबंधित बसें हैं, उनके भी फेरे आगरा का एक फेरा बढ़ा करके जी उनको बढ़ाया गया, जिससे कि वो भी जो है आगरा से आने वाले यात्रियों को दिल्ली रूट पे कितनी बसें हैं और कितनी एक्स्ट्रा लगाई हैं, कितनी हो रही हैं? दिल्ली पे लगभग हर इस समय हमने लगभग 80 बसें प्लान की हैं, 114 में से जी 117 में से, और क्योंकि 67 बसें चलती हैं उसकी 10% वृद्धि, 10% अधिक वृद्धि है उसमें, तो मेरा तो ये मतलब मानना है कि इटावा उस पे आगरा पे और आगरा इटा चलने वाली बसें जो भी हैं वो कासगंज तक जोड़ी गई हैं, कुछ बरेली भी की गई हैं, कुछ सबके फेरे बढ़ाए गए हैं, जिससे कि 24 घंटे राउंड द क्लॉक बसों की सेवा उपलब्ध रहे, क्योंकि त्योहार पर आदमी 24 घंटे निकलता है, यात्रियों की कमी नहीं रहती है।